नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है नानी सिटी के ओम शांति आश्रम में। बताइए सर जी, आया ऊट पहाड़ के नीचे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, आया ऊट पहाड़ के नीचे। देखिए सर, इसमें क्या था कि ऊँट जो होता है ना, थोड़ा ऊंचा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसका जो हुड होता है ना, बहुत ऊंचा रहता है। तो उसको घमंड आ गया था कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, हमारे पैर में भी कुशनिंग है, मरुभूमि में भी चलता हूँ, समुद्री वो मरुभूमि का जहाज लोग बोलते हैं। लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, घूमते घूमते एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के नीचे गया, तो परेशान हो गया। अरे मैं सोचा मैं बहुत बड़ा हूँ, अब क्या हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि परिस्थिति ऐसी ज़िंदगी में आ जाती है ना कि कितना भी कॉन्फिडेंट आदमी, कितना भी आत्मविश्वास का आदमी मजबूर हो जाता है, और तब उसको अपनी औकात का पता चल जाता है कि मैं भ्रम में था, मैं भ्रमित था, मेरी औकात पर है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ और मेरे जैसे छोटा कीड़ा मकोड़े जैसे नीचे, तो इसी का मतलब है आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखिए, हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जिस आदमी के सामने मैं सर उठा के बात करता था, दहाड़ता था भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय तेलंगाना, अब उससे काम पड़ गया है, तो मैं उस पहाड़ के नीचे आ गया हूँ, अब उसकी बात सुनना पड़ेगा। और आपको भी कभी कभी ऐसा मौका लगा है जहाँ कि आप कभी भी झुकना नहीं चाहते थे, तो कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको अपने जीवन की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ समझौता कर लेना पड़ता है। तो मजबूरी में क्या होता है, कितने बड़े से बड़े लोग भी समझौता कर लेते हैं। आप देखे होंगे कि जो हिंदुस्तान में सबसे महान पुरुष थे महाराणा प्रताप जी, जब उनकी बेटी घास की रोटी खा रही थी और वन विलाप आके वो रोटी लेके भाग गया और बच्ची रोने लगी, तो उसका भी दिल पिघल गया था। तो उन्होंने एक संधि पत्र लिख दिया था अकबर को, मीन्स वो भी आ गया था, वो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया था, मजबूर हो गया था इंसान, और संधि पत्र अकबर को लिखा था। लेकिन वो पत्र मिला था, एक आदमी था जिसका नाम था पृथ्वीराज। वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, दूसरा पृथ्वीराज था। वो क्या किया, फाड़ के फेंक दिया और उसको खबर दिया कि देखो यार, दुख तो है लेकिन तुम इतिहास में अमर हो जाओगे, संधि कर लिया तो मानसी तुम्हें कोई फर्क नहीं है। वो बचा लिया उसको, लेकिन मजबूरी में वो लिखा, क्या करेंगे साफ स्वाभिमान मान अभिमान, जबकि हमारे बच्चे भूखे मर गए थे, भूखे उसके बाल बच्चे। अब बोले ना, क्या करेंगे हम इतने ज़मीन जायदाद, क्या करेंगे हम ये मान स्वाभिमान, जब हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनकी शिक्षा नहीं दे सकते, तो जो होगा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ करने को बोलते हैं आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने कंप्रोमाइज़ किए थे भाई, जब संधि पत्र करने गए थे उसके दरबार में विश्वास करके, तो विश्वासघात किया था, इनको देखते ही पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, मालूम है ना आपको। तो इतना बहादुर शिवाजी महाराज भी आया ऊँट पहाड़ के नीचे, चालाकी से इनको पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। तो परिस्थिति होती है ना मनुष्य को भाई, लाचार और बेसहारा बना देता है, और सब उसकी अकर सब खत्म हो जाती है, सीना पतला हो जाता है, सर झुक जाता है और संधि पत्र लिख देता है, कंप्रोमाइज कर लेता है। यही घटना घटी थी, याद होगा, जब पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे बांग्लादेश में, तो 93,000 उसके सोल्जर्स थे, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, सरेंडर करना पड़ा उसको, क्योंकि हार गए थे, चारों तरफ से उसको ध्वस्त कर दिए थे। बांग्लादेश इसीलिए बना था ना, मुक्ति वाहिनी सेना, तो वहाँ पाकिस्तान क्या किया, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मजबूर हो गया, सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने को ही बोलते हैं आया ऊँट पहाड़ के नीचे। थैंक यू सचिव बाबू।